सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो, बंसी फेंको और उठा लो, हाथों में तलवार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों। भारत देश में एक बड़ा अभियान चल पड़ा है भारत स्वाभिमान का, उसके बारे में आपसे बात करने आया हूँ। और मेरा आनंद दोगुना आज इसलिए भी है कि मेरे ऊपर आशीर्वाद देने के लिए मेरे गुरु तुल्य माता पिता भी दोनों मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, भाव से चरण स्पर्श करता हूँ। भारत स्वाभिमान का जो अभियान चला है, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने शुरू किया है। ये अभियान 5 जनवरी 2009 को स्थापित हुआ है और बहुत तेज़ी के साथ पूरे देश में फैल रहा है। लगभग 6 महीने अभी हुए हैं इस अभियान को शुरू हुए और 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता पूरे देश में तैयार हुए हैं और अगले 6 महीने में करीब 11,50,000 कार्यकर्ता तैयार हो जाएंगे, ऐसा विश्वास है। इसके अलावा परोक्ष रूप से हमें काम में मदद देने के लिए सहयोगियों की संख्या करोड़ों में है। इस देश में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा हमारे सहयोगी तैयार हो रहे हैं इस काम में, हमारे लिए तन मन धन से मदद देने के लिए। इस अभियान को क्यों शुरू किया है, इसकी ज़रूरत क्या है, भारत देश की आज़ादी के 62 साल के बाद इस तरह का काम करने का महत्व क्या है, ये सब बड़े प्रश्न हैं। कोशिश करूंगा कि मेरे व्याख्यान से उनका जवाब मिल सके और मेरे व्याख्यान के बाद मैं आपको भरपूर समय दूंगा प्रश्नोत्तर करने के लिए। आप जितनी देर यहाँ प्रश्न करना चाहेंगे मैं यहाँ बैठूंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। भारत स्वाभिमान का अभियान जो शुरू हुआ है वो क्यों हुआ है और ये अभियान क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी नीतियाँ क्या हैं, इन सब बातों को शुरू करने से पहले देश के बारे में थोड़ी जानकारी आपसे कहना चाहता हूँ। अपने भारत देश की आज की जो वर्तमान परिस्थिति है बड़ी भयावह है। देश की दशा और दिशा दोनों ही ठीक नहीं है। हमारे भारत की जो दशा है बहुत ख़राब है। आज़ादी के 62 साल के बाद इतनी ख़राब स्थिति किसी देश की हो सकती है, ये सुनकर बहुत अफसोस मन में होता है। और ये एक ऐसे देश के बारे में अफसोस होता है जिस देश में महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तांत्या टोपे, नाना साहब पेशवा, नाना फडणवीस, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारीबाई, कित्तूर चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती, ऐसे महान महान क्रांतिवीरों की जन्मस्थली कर्मस्थली जो देश रहा, उस देश के बारे में ये जान और सोचकर बहुत अफसोस होता है कि इतनी ख़राब हालत है। हमारे महापुरुषों के नाम लेना शुरू करें तो श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, नानक साहब, हमारे देश में दक्षिण में हुए तिरुवल्लुवर, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, ऐसे अनेक अनेक महापुरुषों की जन्मस्थली और कर्मस्थली भारत, उसकी आज की दशा देखकर बहुत अफसोस और दुख होता है। कभी इस देश में राम राज्य रहा, कभी इस देश में कृष्ण राज्य रहा। राम राज्य के बारे में आप सभी जानते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य में कदौ न व्यापा। माने भगवान श्री राम की राज्य की स्थिति ऐसी रही है कि दैविक दुख, दैहिक दुख और भौतिक दुख कभी किसी को नहीं रहा। और ये तीन तरह के ही दुख जीवन में सबसे बड़े होते हैं। कभी नहीं रहे इस देश में ऐसा राज्य, कभी चलता रहा जिस देश में, आज उस राज्य में हर व्यक्ति को दैहिक दुख, हर व्यक्ति को दैविक दुख, हर व्यक्ति को भौतिक दुख हो गया, तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या हो गया हमारे देश को, कौन सी ऐसी विपता ने घेरा, कौन सी ऐसी हमारी कर्महीनता की स्थिति बनी है, क्या हो गया है जो हम इतनी दारुण स्थिति में हैं। जिस भारत में श्री राम ने कभी शासन किया और राम राज्य में कभी कोई गरीब नहीं, भुखमरी का शिकार नहीं, कोई चोरी नहीं करता, कोई डकैती नहीं डालता, किसी को फांसी नहीं देनी पड़ती, कोई अपराध नहीं होता, ऐसा आदर्श राज्य जिस देश में रहा हो, उस देश के आज के राज्य की व्यवस्था बहुत शोचनीय है, बहुत ज़्यादा दुर्गतिपूर्ण है।
कुछ छोटी छोटी बात आंकड़े में करूं तो वो कुछ ऐसी बातें हैं, 115 करोड़ की आबादी का देश है और इस 115 करोड़ की आबादी के देश में 84 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपया नहीं। इतनी दारुण स्थिति है इस देश की। हमारे भारत देश की जो सरकार चल रही है इस समय, उसके प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, आर्थिक विषय के बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। हमारे देश की सरकार का एक बड़ा विभाग होता है जिसका नाम है योजना विभाग, प्लानिंग डिपार्टमेंट। पंचवार्षिक योजनाएं जहां से बनती हैं, उस विभाग के सालों साल उपाध्यक्ष रहे प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। श्रीमती इंदिरा गांधी जब इस देश में प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो उनके आर्थिक सलाहकार रहे प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। बंगाल की सरकार के सालों साल वित्त मंत्री रहे प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। दुनिया के कम 25 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों के विजिटिंग प्रोफेसर हैं प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए जाते हैं, कैम्ब्रिज में जाते हैं, पेंसिल्वेनिया में जाते हैं, बफेलो में जाते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं। दुनिया भर के जितने बड़े विश्वविद्यालय आप जानते हैं, हर जगह उनकी क्लास होती है, उनके लेक्चर्स होते हैं। इतने विद्वान व्यक्ति को भारत की सरकार ने एक जिम्मेदारी दी थी थोड़े साल पहले, लगभग 5 साल हो गया, और उनको ये कहा था कि भारत की आज़ादी के 62 साल के बाद गरीबी की स्थिति क्या है इसका पता लगाइए, इस पर अध्ययन करिए। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ने 5 साल अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की है जो करीब 700 पेज की है। पूरी रिपोर्ट तो नहीं सुना सकता, समय की बहुत कमी है, लेकिन उस रिपोर्ट का सबसे मुख्य अंश मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ने रिपोर्ट में लिखा कि मुझे इतनी हैरानी है, इतना अफसोस है, इतना दुख है ये कहते हुए कि आज़ादी के 62 साल के बाद इस देश के विकास का काम बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। ये एक बहुत विद्वान प्रोफेसर कह रहा है। उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है इस समय। वो कह रहे हैं कि विकास का काम बिल्कुल ना के बराबर हुआ है, लगभग विकास नहीं हुआ है। क्यों? वो ये कहते हैं कि जब आज़ादी आई 1947 में तो 4 करोड़ लोग गरीब थे और जनसंख्या उस समय लगभग 33 करोड़ थी। अब आज़ादी के 62 साल के बाद जनसंख्या 115 करोड़ हो गई और गरीबों की संख्या 84 करोड़ हो गई। माने आज़ादी के 62 साल में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ी है इस देश में। अंग्रेजों के ज़माने में गरीबी आई थी, उसका कारण था कि अंग्रेज हिंदुस्तान का धन और संपत्ति सब लूट कर ले गए, इसलिए गरीबी आ गई इस देश में। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद क्या हो गया इस देश को? इतनी गरीबी कहाँ से आ गई इस देश में? अगर गरीबी को हम ऐसा मान लें कि जनसंख्या के हिसाब से बढ़ती है, हमारे देश में कुछ अर्थशास्त्री हैं जो ये तर्क देते हैं कि जितनी संख्या बढ़ेगी लोगों की उतनी गरीबी बढ़ेगी, तो जनसंख्या हमारी 3.5 गुनी बढ़ी है, लगभग 3 से 3.5 गुनी बढ़ी है, तो गरीबी भी 3 से 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए, तो 12 करोड़ लोग गरीब होने चाहिए। अब 84 करोड़ कहाँ से आ गए? और 84 करोड़ लोगों की गरीबी भी इतनी भयंकर है कि इनमें से लगभग 20 करोड़ लोग तो इतने गरीब हैं जो 15 रुपये एक दिन में खर्च नहीं कर सकते।